Assalamualaikum everyone, मैं हूँ डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस. और हम बात कर रहे हैं मोटापे के डिफरेंट रीज़न की. अक्सर हमारे पास मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं खाती, मैं बहुत नॉर्मल खाती हूँ या खाता हूँ, फिर भी मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है और डाइटिंग के बावजूद ये कम नहीं हो रहा. बहुत सारे लोग अक्सर ये कह के मजाक उड़ा देते हैं कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, जो ओबीज होते हैं, वो जानबूझ के ऐसी बात करते हैं. जी नहीं, ऐसे बहुत सारे ओबीज लोग हैं जो जानबूझ के ऐसी बात नहीं करते. या तो वो नॉर्मल खा रहे होते हैं और वो बहुत कम खा रहे होते हैं, और उसके पीछे डिफरेंट मेडिकल और आयुर्वेदिक रीजंस हैं जिसकी वजह से वाकई उनका मोटापा कम नहीं हो रहा होता. और उस रीजन की जड़ पर जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, रीजन को ट्रीट नहीं करेंगे, मोटापा ट्रीट नहीं करेगा. 3 या 4 रीजंस होती हैं आपके पास कम खाने और नॉर्मल खाने के बावजूद मोटापे की, जिनमें से एक रीजन पर मैं आज बात करने लगी, और बाकी सारी भी इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोज में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी. किडनी अगर आपके पास वीक है, किडनी की एनर्जी प्रॉपर नहीं है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका फंक्शन कम हो गया, ये एक रीज़न हो सकता है इस तरह के मोटापे का. और ये क्यों हो सकता है? ये मोस्टली आपके पास ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से होता है. या तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, नींद की कमी बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल एक्टिविटी ज़रूरत से ज़्यादा है, एक के बाद एक बच्चा पैदा करी जा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कैंड प्रिजर्वेटिव्स और फ्रोजन फूड्स आप ले रहे हैं. ये सारी उसकी रीज़न्स हो सकती हैं. अब इस मोटापे का एक सिम्टम, एक निशानी तो ये होती है कि आप नॉर्मल खाते हैं फिर भी आपका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी की आप कैटेगरी में आते हैं. और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं सुन लीजिए, ताकि अगर आप उससे रिलेट कर सकते हैं तो कर लें. आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, आपको लूज डायरिया होता है, आपकी टांगों में और कमर के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें पेन रहती है आपको बहुत ज़्यादा, और पेशाब जो है बार बार आता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है. तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि किडनी की एनर्जी ठीक नहीं है और आपने इसको ठीक करना है. एक और चीज़, ऐसे आदमियों में जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा होता है और अगर उनमें साथ इम्पोटेंस भी हो जाती है, तो अगेन एक रीज़न है कि किडनी वीक है और इनमें से एक कोई रीज़न है. और वो ख़वातीन जिनको पीरियड्स जो हैं बहुत हैवी और बहुत पेनफुल हो रहे हैं अलॉन्ग विद इतनी ज़्यादा ओबेसिटी और ये सारे सिम्टम्स, उनमें भी ये एक निशानी हो सकती है. और मैं आपको नब्स पे हाथ लगा के भी पहचान के बता सकती हूँ, और आपको भी बता सकती हूँ कि आप कैसे जज कर सकते हैं कि कहीं आपके मोटापे की ये रीज़न तो नहीं है. जो ऐसे लोगों की नब्स होती है वो फेंट भी होती है और वो डीप भी होती है, यानी कि वो नॉर्मल पल्स की तरह ही होती है, लेकिन वो उससे कंपैरेटिवली सॉफ्टर होती है, स्लोअर होती है. तो जो डॉक्टर है वो पहचान सकता है ऐसी नब्स को हाथ लगा के, और इनकी जो ज़बान होती है वो पेल होती है. अब इनकी रिकमेंडेशंस क्या है और इसका आपने इलाज कैसे करना है, जब इनका डाइट चार्ट बनाना है डेफिनेटली वो कैलोरीज में लो ही बनाना है, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस बनाना है, लेकिन उसमें कौन से फूड ग्रुप्स अवॉइड करने हैं और कौन से फूड ग्रुप्स इंक्लूड करने हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. जो ग्रुप्स आपने अवॉइड करने हैं कंप्लीटली वो हैं सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, सारे फ्रोजन प्रोडक्ट्स, आपने जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं बनाना, कीवी, मैंगोज, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, लेमन, वो आपने इनको कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं. जितने भी रॉ सैलड्स हैं वो आप इनको नहीं देंगे, ठंडी सब्जियां जो हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, वो आप इनको नहीं देंगे, वो इनको रिकमेंडेड नहीं होंगी. और इसके साथ साथ कोई भी कैंड फूड्स नहीं. और मैं अपने पेशेंट्स की डाइट में चीट डेज रखती हूँ, लेकिन जिनकी ओबेसिटी इस वजह से होती है उनके चीट डे में भी उनको शुगर लेने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती. और अगर आप शराब ले रहे हैं, आप अल्कोहलिक हैं, तो अल्कोहल आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, वरना आपकी ओबेसिटी का ट्रीटमेंट नहीं होगा. अब आपने इनमें फूड ग्रुप्स इंक्लूड कौन से करने हैं उस पर बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो मस्टर्ड सूप, मस्टर्ड सूप मैं कहती हूँ, और आपके पास चाइनीज़ मेडिसिन में भी कहा जाता है, देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी, ये दिन में 2 बार पियेंगे, और वो बनेगी वार्म वेजिटेबल्स के साथ. और इन वेजिटेबल्स का ये अपने सालन में, अपने सूप्स में वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कौन से वेजिटेबल्स इन्होंने इंक्लूड करने हैं? कद्दू इंक्लूड करना है, गाजर इंक्लूड करनी है इन्होंने, इन्होंने सेब इंक्लूड करने हैं, इन्होंने अगर सर्दियां हैं स्वीट पोटैटो शक्करकंदी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये इंक्लूड कर सकते हैं, गाजर इन्होंने इंक्लूड करनी है. तो इन सब्जियों की तरफ जो है इन्होंने जोर देना है. और इसके अलावा, यखनी के अलावा, ये जो मीट ग्रुप है, जो फिश ग्रुप है, इसका इस्तेमाल अपनी डाइट में करेंगे, क्योंकि प्रोटीन की थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो वो बॉडी को, क्योंकि इनके हमने कोल्ड फूड्स अवॉइड करने हैं, बॉडी को नेसेसरी गर्माई जो है प्रोवाइड करती है. ग्रेन्स का आपने इस्तेमाल कौन सा करना है? ग्रेन्स में आपके पास आएगा बाजरा यानी मिलेट्स, ओट्स आएंगे यानी जो आएगा, और इसके साथ साथ आपके पास कुट्टू का आटा, बकवीट आएगा. और इसके साथ मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर ये अपने नाश्ते में रोज जो है फुली ग्राउंड ग्रेन, इन्हीं में से किसी ग्रेन्स का पॉरेज ले लें, इट इज अमेजिंग. और इसमें जो सीड्स इनको इस्तेमाल करने होंगे वो सनफ्लावर सीड्स होंगे और सेसमी सीड्स होंगे. नट्स जो ये अपने ग्रेन में पॉरेज में यूज कर सकते हैं, पूरे दिन में हैंडफुल ले सकते हैं, वो आपके पास वॉलनट्स होंगे,
दिन में 1 से 2 कप ये स्पाइस वाली टी पियेंगे, और जिन स्पाइसेस को इन्होंने प्रेफर करना है वो है आपके पास जिंजर स्पाइस, आपके पास सिनेमन स्पाइस, अपने खाने में ब्लैक पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने खाने में लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें, और कार्डेमम भी इनके लिए एक बहुत बेहतरीन स्पाइस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन स्वीटनर्स का ये इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें आपके पास आ जाते हैं हनी, उसमें आपके पास आ जाते हैं रेजन्स, ये अपने दलियों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन के स्नैक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 30 से 40 दिन में आप देखेंगे कि जब ये इन फूड ग्रुप्स को स्टिक करेंगे, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम और सिम्टम्स है और उन फूड ग्रुप्स को अवॉइड करेंगे, बॉडी के एनर्जी लेवल सबसे पहले ऊपर होना शुरू होंगे, ठंड लगना कम होगी, बार बार पेशाब आना कम होगा, और वेट लॉस भी 30 से 40 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। मोटापे के डिफरेंट रीजन जो आप समझ नहीं पा रहे और वो किस वजह से हैं और किन फूड ग्रुप्स को सिलेक्ट करना है, इस पर इंशाल्लाह हम आगे फिर वीडियोस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।